हेलो। हेलो। हाँ, फिजिकल हो गया तुम्हारा? हाँ जी सर जी, हो गया। मेरा दिल्ली हाँ, तो बताओ कौन सा सेंटर था तुम्हारा? था जी, BSF कैंप टिगरी। दिल्ली BSF कैंप, टिगरी, टिगरी कैंप है। हाँ जी हाँ, अच्छा, तो कैसा है तुम्हारा टिगरी कैंप में, कैसा फिजिकल चल रहा है? टिगरी सही चल रहा सर जी वैसे तो, लेकिन चेस्ट में निकाल ले बहुत। हाँ चेस्ट में बहुत बच्चे निकाल रहे हैं ना वहां पे, जी, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब चेस्ट में बच्चे चेस्ट में फुलाम नहीं दे रहे बच्चे, 1 सेंटीमीटर का दे रहे, कोई 2 का दे रहा, 3 का दे रहा, नहीं फुलाम नहीं दे पा रहे। नहीं फुलाव क्यों नहीं दे पा रहे? मतलब क्या कर रहे हैं वो? मतलब कुछ ज्यादा ही टाइट नाप रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि अभी वैसे तो एक ही टाइट कंप्लेन आई माप है रहे मेरे सर पास। जी, टाइट माप रहे बहुत। तुम्हारा कितना था? मेरी थी 84 था सर मेरा, वैसे बिना फुला और फुला के 90 हो गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन सर जो मैंने ट्रेडमैन के दिया था उसमें मेरी 85 थी, और मैंने फुलाव वहां 7 का दिया था, तो इसमें एक कम हो गया। एक कम हो और गया। और तुम तो अभी एक हाँ कह रहे हो, आज ही मेरी एक बच्चे से बात हुई है, वो कह रहा है कि सर अरे मैंने BSF HCM का दिया था, अभी हाँ फिजिकल दिया है मैंने, तो उसमें जो 2019 वाली थी कि उसमें मेरा कह रहा था कि मेरा 82 और 90 बैठता था हाँ फुलाव के बाद, और अभी यहाँ पे मेरे को 80 और 82 पे लुढ़का दिया। पता नहीं सर मतलब जी, लेकिन अस्सी मेरा अस्सी बिना फुलाव के, और फुलाव के बाद कह रहा 82, और वहां पे कंप्लेन करी तो फिर दोबारा नापी गई तो 82.5 आई। बताओ कुछ सर क्या करें, बताओ, इतनी इतनी टाइट नाप रहे हैं वहां पे। टाइट तो बहुत माप रहे सर जी, लेकिन वहां पे चेस्ट में प्रॉब्लम है मतलब, है ना? लेकिन तेज जो भी फुलाव नहीं दे पा रहा, 3 चांस दे रहे सर जी उसे। अच्छा, हाँ सर जी, 3 फ्री चांस दे रहे, 3 में भी नहीं हो रहा तो बाहर निकाल ले। बताओ इतना काम कैसे हो रहे हैं मतलब बच्चे? अब यार ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। अब उस लड़के की, मतलब तुम समझ रहे हो, बच्चे की चेस्ट बहुत ही अच्छी है, मतलब वो जी, हट्टा कट्टा लड़का है। बताओ उसने दो दो एग्जाम दिए हैं, CRPF दिया है और उससे पहले मेरे पैरामेडिक भी भी तो दिया सर जी, मैं ट्रेडमैन का देख रहा था, वहां मेरी 85 थी, मैं 85 थी वैसे बिना फुलाव। मैंने जो फुलाव दिया तो वहां मेरी 7 का फुलाव आता वहां पे मेरा नोएडा में, तो मैंने यहाँ दी, यहाँ 84 आया और फुलाव दे के 90 ही हुई, 6 ही फुलाव दिया यहाँ पे मैंने। तो मतलब ये भी है भाई, जिसका भी सेंटर पड़ रहा है अपनी जो चेस्ट वगैरह देख के जाना भैया, कम से कम 7 या 8 का फुलाव हो तभी तभी बेनिफिट है। अगर 5 का फुलाव आ रहा तो समझ लो कि 4 ही बैठेगी वहां पे या 3 ही बैठेगी। फुलाव चेट तो सबकी पूरी थी, लेकिन फुलाव नहीं दे पा रहे थे, कोई दो का फुलाव दे रहा, फुलाव नहीं दे कोई पा रहे। एक का दे रहा। हाँ जी, तो फुलाव कोई कैसे, एक का ही फुलाव दे रहा जी, कोई दो का फुलाने ही नहीं दे रहे क्या वहां पे, वहां की हवा ही खराब है? पता नहीं सर जी, लेकिन वो 3 चांस दे रहे वैसे तो मैं। बस एंट्री हो गए सर जी, बिठा रहे ना रोल नंबर वाइज बिठा के, मैं PST का दे रहे और एक फॉर्म और दे रहे, मैं दोनों अपने आप भरने। हाँ सर, अच्छा, और डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे चल रहा है डिग्री में? डॉक्यूमेंट के लिए तो जिसके पास अगर सेंट्रल का नहीं है तो उसे जनरल मंगेरे सर जी, चाहे वो SC अच्छा, हो चाहे OBC हो। सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए ना। हाँ जी, लेकिन और जो मेरे साथ का था वैसे, जो मेरे गेल का था वो SC में था, तो उस पे सेंट्रल का नहीं था तो उसने जनरल में डाल दिया सर जी वो। लेकिन अगर वहीं पे हो तो चल जाएगा, जैसे एक के बच्चे का ही नहीं था, वो दूसरा ले गया था उत्तर प्रदेश सरकार का, हाँ मतलब देखो तो कुछ ना कुछ उसे होना बोला चाहिए, मतलब हाँ बिल्कुल कि होना चाहिए। हाँ जी फोटो कॉपी नहीं हो रही तो फोटो कॉपी करवाने भेज रहे थे, इसे तो बाहर रख, चले जाओ बाहर जाओ। अच्छा, एक एक फोटोकॉपी लग रही होगी हाँ जी, एक एक फोटो कॉपी लग रही, और लेकिन फोटोग्राफर। डोमोसाइल ले नहीं रहे, डोमोसाइल तो ले नहीं रहे, बस 3 के हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड और ये जाते का ले रहे अच्छा हैं कोई बस। बात नहीं, कहीं सेंटर सेंटर की बात है, कहीं पे तो फोटोग्राफ भी नहीं लेगा, फोटो तक नहीं हाँ लेगी कहीं किसी के सेंटर पे, बताओ। हाँ जी हाँ, और किसी का वेट, किसी का 50 से नीचे आ रहा वेट अच्छा, वेट में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ना, वेट में तो कोई निकलना नहीं बाहर जो है जी, लेकिन नो बोल रहे थे मेडिकल में बाहर निकलेंगे सारे हाँ तो जिनका मेडिकल में तो वेट हाई निकलेगा, है मेडिकल तो अनवे। करना ही पड़ेगा बिल्कुल, और क्या। हाँ जी, और कुछ पता चली कुछ एग्जाम से डेट वगैरह की? और कुछ नहीं, बस जो लेट आ रहे थे, लेट तो वैसे 10-10 बजे तक आए सर जी वहां पे, लेकिन उनका लास्ट में करा, लेकिन लिया जरूर उनका। ले लिया। और जैसे पिछली डेट का कोई बच्चा था, पीछे की डेट का? पीछे की डेट का तो नहीं था सर कोई भी। अच्छा ये बताओ, जैसे कि नाम वगैरह में किसी के मिस्टेक हो गई है, जैसे कि नाम, फादर नेम वगैरह, ये सब चीजें मिस्टेक हो जाती हैं रोल नंबर वगैरह भरने में, तो उसमें मतलब कुछ करेक्शन का कुछ दे रहे हैं ऑप्शन?
ऐसा तो कोई नहीं निकला सर मेरे सामने तो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन और चेस्ट में बहुत बच्चे निकाल ले, पुलाव नहीं दे पा रहे बच्चे, हाँ बहुत चेस्ट में निकाल नहीं, रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आज ही अभी मेरी एक बच्चे से बात हुई है, वो बच्चा मतलब इतना परेशान, जिसने कि 10 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का पहले दिया था सीआरपी पैरामेडिकल में, और सीआईएसएफ में 10 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे उसको जो है 2 और 2.5 पे लटका दिया। तो मतलब मैं तो यार बहुत ही कंफ्यूजन में, इतना मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत टाइट वहां पर जी चेस्ट तो, दिल्ली में यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, बस इसी को लेकर बस के है। और डॉक्यूमेंट जो मैंने वगैरह आपके तो पास में फोटो भेज दिए थे वही फॉर्म दे रहे थे बस, दो ही। अच्छा, और हाँ जी कितना समय लग गया होगा, मतलब फिजिकल देने में कितना समय लग जा रहा है, कितनी देर में निकाल दे रहे हैं। बस, जिनका रोल नंबर पहले था उनका वो बायोमेट्रिक करवा के डॉक्यूमेंट चेक हो गए, 10 10 10 बच्चे निकाल लेते जिनका पूरा हो रहा था अच्छा, साथ के साथ। कितने बच्चे पहुंच रहे होंगे। बच्चे होंगे सर, बच्चे 500 करीब होंगे बच्चे इसमें तो। हाँ चलो ठीक है, लगता है इसी इसी वजह से चेस्ट में निकाल रहे हैं वो, जी बच्चे हाँ ज्यादा पहुंच रहे हैं वहां पे। लेकिन साथ के साथ निकाल ले जिनका हो रहा है, एकदम निकाल ले उन्हें 10 10 बच्चे करके। अच्छा, वो कुछ प्रूफ तो दे नहीं रहे होंगे पास होने का, कुछ ऐसा कुछ। ना जी, लेकिन वैसे दे रहे जिनकी चेस्ट, वो चेस्ट वालों को दे रहे। हाँ तो जो रिजेक्ट हो हाइट गए में भी तो निकाल ले, हाइट में ऐसे निकले होंगे 5 6 बच्चे निकले हाइट में। हाइट में तो खैर बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे होंगे दिक्कत, लेकिन चेस्ट में तो दबा सकते हैं ना, चेस्ट में तो कर सकते हैं, लेकिन हाइट में तो खैर बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हाँ लेकिन फिर भी गलत है, मतलब चेस्ट वगैरह में इस तरीके से, मतलब जिसके जिसने 2 एग्जाम दिए और इतनी अच्छी अच्छी मतलब फुलाओ है, और उसको यहाँ पे तो 2 और 2.5, मतलब मैं तो सोच की मैं नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता। मैं फिर भी पूछना चाह रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम्हारा भी डिग्री कैम का ही, तुमसे ही बात हो जाए तो तुम भी बता रहे हो यार चेस्ट में हाँ दिक्कत आ रही है सर। चेस्ट में बहुत टाइट मार बहुत ज्यादा। चलो अरे और बाकी रिटन जितना एग्जाम। ऊपर हाँ की साइड नहीं कर रहे, पीछे की साइड से वो अच्छा, नीचे कमर की साइड से माप रहे, ऊपर ला रहे फिर नीचे पीछे डाल के ऊपर की साइड कर रहे। हाँ अच्छा जी हाँ स्टाइल से नाप रहे हैं अपनी। जी चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये बताओ कितना अभी रिटर्न एग्जाम के बारे में कहीं से पता चला कुछ। नई रिटर्न एग्जाम के बारे में नहीं पता चला सर जी इसका। चलो, और ये बताओ जो तुम्हारा ये टिग्री गेम का सेंटर है, ये नियरेस्ट कहाँ पे पड़ेगा। नियरेस्ट सर मैं पहले तो ये वैसे तो दिल्ली से भी निकल जाते मेट्रो में, अच्छा मैं तो साकेत उतरा था सर जी मेट्रो में, वहां से अच्छा 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा साकेत मेट्रो से है, साकेत हाँ जी वहां से उतरने चार के बाद। पांच किलोमीटर दूर है, या तो अच्छा ऑटो पहले ले नई दिल्ली, लो। नई दिल्ली से मेट्रो पकड़ के साकेत, साकेत से 4-5 किलोमीटर। हाँ जी चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने फिजिकल क्लियर कर लिया डिग्री कैंप का, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से कंप्लेन आ रही है बच्चों की, मुझे तो लग रहा है कि मैक्सिमम कैंडिडेट चेस्ट में निकल रहे हैं बाहर। हाँ जी बच्चे चलो ठीक बहुत है, निकाल ले, फुलाव दे ही नहीं रहे, एक एक मीटर का दे, 1 सेंटीमीटर का दे रहे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम्हारा दो तैयारी। हाँ, चार पांच बच्चों ने तो एक का ही दिया मैं वही वहां तो पे। कह रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, जिन्होंने पहले उस बच्चे ने तो वहां पे बहसबाजी तक कर ली, वही वहां तो बहुत एक ज्यादा बात। बच्चा बोल रहा क्या, मैंने 9 का फुलाव दिया था यहाँ से, और यहाँ मेरा 3 का ही फुलाव आया। हाँ मैं वही तो बात कह रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब किस तरीके से आप मैंने नाप यूपी लोगे। पुलिस में दिया था, वहां पे नुगे मेरे 9 का उतरा था, यहाँ पे 3 का ही आया। तो ये तो बिल्कुल बच्चों को मिलके बोलना चाहिए, सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने यहाँ मतलब 8 8 9 9 7 7 दे के आए हैं, और यहाँ पे आप 2 2 3 3, मतलब किस तरीके से आप नाप रहे हो, कुछ अलग ही तरीके से नाप रहे हो क्या। इतना बहुत टाइप कर रहे थे सर चलो जी। ठीक है, तब तैयारी करो तुम अपनी, क्या करना है।